तो गाइस फाइनली मेरे पे कंफर्म लीक्स निकल के आ चुकी है फ्री फायर इंडिया के लॉन्च की। हाँ आप लोगों ने एकदम सही सुना, फ्री फायर इंडिया की लॉन्च डेट का हमको पता चल चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो वीडियो को एक लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे बढ़िया वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई आज इस वीडियो में मैं बेसिकली पांच चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला फ्री फायर इंडिया का कन्फर्म डेट क्या है, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे फ्री फायर इंडिया जब लॉन्च होगी तो वो दिखने में कैसी रहेगी, थर्ड पॉइंट रहने वाला हमारा कि फ्री फायर के अंदर जो हमारी पुरानी आईडी चलेगी या उसमें कोई नई आईडीज बनानी पड़ेगी, फोर्थ पॉइंट रहने वाला कि फ्री फायर मैक्स का क्या होगा भाई, एंड लास्ट पॉइंट रहेगा जो एक टाइम पे गरिंदा ने लाखों में आईडीज बैन करी थी, क्या वो आईडी दोबारा अनबैन हो सकती है, क्या उनके अनबैन होने का चांसेस है। तो भाई ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा फ्री फायर इंडिया का लॉन्च डेट क्या रहने वाला है। तो अभी के टाइम पे 1 जुलाई से हमारा न्यू बियर का रैंक सीजन शुरू हुआ है एंड 1 अगस्त से आने वाला है हमारा सीएस का नया रैंक सीजन, मतलब फिर से 1 सितंबर से हमारा नया बियर का रैंक सीजन शुरू होना चाहिए। अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो भाई, हमारा जो नया बियर का रैंक सीजन आने वाला है वो आने वाला है 5 सितंबर से, हाँ क्योंकि भाई 4 सितंबर को होने वाली है ओबी अपडेट एंड ये कन्फर्म्ड है। आप लोगों को स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा मैं जो लगा रहा हूँ, ये कंफर्म लीक्स निकल के आए हैं, पोस्टर्स निकल के आए हैं जो कि 4 सितंबर को हमारे होने वाली ओबी अपडेट, ठीक है, एंड 5 सितंबर को हमें शायद से फ्री फायर इंडिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्री फायर इंडिया को होने वाला 1 साल, लास्ट ईयर वो अनाउंस हुई थी 5 सितंबर को एंड उसके बाद वो पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर इसी लॉजिक को हम ध्यान में रखें तो देयर आर 95% चांसेस कि फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को लॉन्च हो सकता है, जो कि एक बहुत हाई चांस है भाई, एंड फाइनली वी कैन से कि हमें फ्री फायर वापस देखने को मिल सकती है इंडिया में। तो अब बात करते हैं कि फ्री फायर इंडिया लॉन्च होने के बाद कैसा होगा। तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये ओल्ड फ्री फायर जैसा ही होगा बट इंडियन थीम पे ज़्यादा रहेगा, लाइक अलग से कोई मैप ऐड कर सकते हैं इंडिया से रिलेटेड एंड कुछ मेजर पेसेस ऐड कर सकते हैं मैप के अंदर जो कि इंडियन थीम पे रहेगी। भाई जो इवेंट में आएंगे वो भी इंडियन थीम के रिलेटेड रहेंगे एंड कुछ करेक्टर्स भी आ सकते हैं जो कि इंडिया के थीम पर आएंगे। भाई सबसे बड़ा करेक्टर की जो लीक निकल के आ रही है वो है वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया MS धोनी का। एज यू ऑल नो कि MS धोनी को फ्री फायर ने ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी रख लिया है एंड उनके नाम का कैरेक्टर आने वाला है फॉर श्योर, एंड ये पक्का जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगी तभी उसके साथ ये कैरेक्टर भी लॉन्च होगा भाई। तो भाई इसी बात पे थाला हो रहा, रीजन स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो अब बात करते हैं हमारे आज के थर्ड पॉइंट की तरफ, क्या फ्री फायर इंडिया के अंडर हमें नई आईडी बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका सिंपल और लॉजिकल सा आंसर बताऊं तो मेरे को नहीं लगता कि हमको नई आईडी बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी है भाई। उसके रीजंस है क्योंकि फ्री फायर इंडिया में जो हमारी फ्री फायर मैक्स वाली आईडी है ना वही चलनी चाहिए, इफ़ अगर वो आईडी नहीं चलती है ना तो गेम को बहुत बैकलैश मिलने वाला है भाई, बंदों ने बहुत पैसे लगा रखे हैं मजाक से अटके अपनी आईडी पे, एंड भाई तुम लोगों का लेवल कितना होगा भाई, किसी का 60-70 एंड इवन भाई मैं ये बोल रहा हूँ किसी का 80 लेवल भी होगा, अगर वो आईडीज गई ना मजाक से अटके वो बंदे साथ में जाएंगे, मतलब बहुत तगड़े वाला बैकलैश मिलेगा गरीना को, एंड मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे ही हरकत करेगी गरीना वाले। तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तुम्हारी यही वाली आईडी फ्री फायर इंडिया में भी चलेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं कि फ्री फायर मैक्स का क्या होगा। तो भाई फ्री फायर मैक्स को कुछ नहीं होगा भाई, होने से लाइक जैसे पहले था ना बिल्कुल दोनों गेम वैसे ही चलते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं आने वाला। एक टाइम पे जब फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स दोनों थे ना साथ में जैसे खेलते थे वही रहेगा, बट मेरे को पता क्या दिक्कत लग रही है कि फ्री फायर इंडिया में कोई ऐसा मैप ज़रूर आएगा जो सिर्फ फ्री फायर इंडिया में ही चलेगा, वो फ्री फायर मैक्स में नहीं आएगा, मेरे को एक ये चीज़ लग रही है, ये कुछ रीज़न आएगा भाई तभी कुछ डिफरेंस रहेगा गेम में, तभी उसको फ्री फायर इंडिया नाम देंगे ये लोग। तो अब चलते सीधा हमारी वीडियो के लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है क्या जो पुरानी आईडीज बैन हुई थी उनके अनबैन होने के चांसेस हैं। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पे नहीं हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना भाई, वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। एंड मैं पहले बोल दूँ कि मैं सिर्फ फ्री फायर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देता, मैं सिंपल एक गेमिंग यूट्यूबर बनना चाहता हूँ एंड ये मेरे को आई थिंक काफ़ी टाइम से मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, मैं इसलिए ये वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है, बिकॉज यू नो एक अंदर से फील आती है कि यार इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सीधी बात। एंड मेरे को एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सिर्फ फ्री फायर बनाऊँगा, मैं हर गेम ट्राई करने वाला हूँ, PC मोबाइल जो रहेगा सब ट्राई करेंगे। तो अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, तो क्या आईडीज अनबैन होंगी। तो इसका सिंपल सा अगर मैं आंसर दूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता वो आईडीज अनबैन होने वाली है भाई, जितनी भी आईडीज बैन हुई थी उनमें कुछ ना कुछ डिटेक्ट हुआ था एंड आई एम श्योर गरिना उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने वाला,
एंड वो आईडीज बैन ही रहेंगी। तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट जरूर डालना, भले लाइक करो ना करो कमेंट डाल के देना पहला सा। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सुबह लाइव स्ट्रीम करता हूँ 10:30 बजे फ्री फायर की, बट आई थिंक अब से मेरे को थोड़ा टाइम वगैरह चेंज करना पड़ेगा उसका मेरे, क्योंकि कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस लेक्चर्स वगैरह रहेंगी। तो मेरे को कोई सूटेबल टाइम बताना जो आपको सही लगे, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, मज़े मारेंगे, चिल मारेंगे, पूरे मज़ा था भाई लाइव स्ट्रीम में, मज़ा करते हैं पूरा पूरा। मेरे जो दिमाग में मैं सोच रहा हूँ रात को 9:30-10 बजे के अराउंड लाइव स्ट्रीम करें तो कैसा रहेगा मेरे को कमेंट में ये भी बताना गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।